नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं मनोज कुमार, आज हम आपको बताएंगे कि मेल मर्ज क्या होता है। एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और उनकी हमने डिटेल्स तैयार करनी है, चाहे वो हमारी एम्प्लॉय डिटेल्स हो या फिर स्टूडेंट डिटेल्स हो, किसी प्रकार की डिटेल्स हो और वो हमने 100 या उससे ज़्यादा की चाहिए, तो उसको बनाने के लिए घंटों लग जाते हैं दोस्तों। और हम आपको वो बताएंगे मात्र 5 मिनट में कैसे तैयार करेंगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक इनविटेशन लेटर टाइप किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि हमने ये इनविटेशन लेटर किसको भेजना है, तो वो हम यहाँ पे एड्रेस डालते हैं। एक लाइन का एड्रेस भी हो सकता है, 4 लाइन का एड्रेस भी हो सकता है। भाई, उसमें हमने नाम डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें इस तरह के हमने अगर 50 या 100 के करीब हमने इनविटेशन लेटर टाइप करने हैं और भेजने हैं, तो हम अगर यहाँ पे सभी के नाम ही डालने लगे तो हमको नाम डालने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वो नाम डालने का तरीका मैं आसान बताता हूँ आपको मेल मर्ज के ज़रिए। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ यहाँ से ब्लैंक जो हमने डॉट डाली हुई है मैं इनको हटा लेता हूँ और यहाँ पर खाली स्पेस डाल लेता हूँ, ताकि हम वहाँ पे नाम फीड कर सके। और एक एक टैब डाल के मैंने इसको सेट कर लिया। यहाँ से भी हम जिसका नाम डालना है उसका नाम डालेंगे। उसके लिए मैंने एक खाली जो डॉट्स थे हमारे वो मैंने हटा लिए। ओके फ्रेंड्स, डेट्स वगैरह मैंने डाली नहीं है, एक सैंपल तैयार किया है। अब हमने यहाँ पे नाम चाहिए, उनके एड्रेस चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए, कुछ मेल आईडी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो वो कहाँ पे मिलेंगे हमको, हम कहाँ से डालेंगे? मैंने एक एक्सेल शीट तैयार करके रखी हुई है, हम यहाँ से वर्ड के अंदर इनको लेके जाएंगे। अगर हम एक एक देख के और फिर यहाँ पे लिखेंगे तो हमको बहुत सा टाइम लग जाएगा, काफ़ी समय हमारा बर्बाद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप ये इन्विटेशन कार्ड ही टाइप करें, इन्विटेशन लेटर टाइप करें, उसमें आपकी सैलरी या फिर हमारी पे स्लिप भी हो सकती है, या फिर हमारे स्टूडेंट्स के जो जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले वो सीट चाहिए, वो हम मेल रिसिपेंट्स में से लेंगे। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट कहाँ से लिया हमने, सबसे पहले शुरू से मैं बताता हूँ। हमारे आप अपनी मेन्यू बार के अंदर देखोगे, यहाँ पे आपको मेलिंग का ऑप्शन नजर आएगा। मेलिंग के ऑप्शन में एक सिलेक्ट रिसिपेंट से नाम से फंक्शन है, आप इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो हमको उस लिस्ट या जहाँ पे नाम लिखे हमने एक्सेल शीट के अंदर, उस फाइल की लोकेशन यहाँ पे इसको बतानी पड़ेगी। और वो लोकेशन मैंने रखी हुई है, वो फ्रेंड्स आप ज़्यादा हो सके उसको हमारे डॉक्यूमेंट्स में भारी रखिएगा, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। मैंने उसको काफ़ी अंदर छुपा के रखा है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट ज़्यादातर ना छुपा के रखता हूँ, ताकि कोई भी अगर गलती से सिस्टम चालू रह जाए तो बैठ जाए, तो सभी के हाथों में हमारे सीक्रेट्स ना पड़े। देखा मैंने कितनी अंदर छुपा के रखी हुई है। और इस नाम से हमारी टेबल यहाँ पे हमने ली हुई है मेल मर्ज के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। और वो टेबल हमारी मेल मर्ज के नाम से यहाँ पे ये दिखा रहा है, सीट वन में हमने ये टेबल बना के रखी हुई है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, वो सारा डाटा हमारा यहाँ पे रीड कर लेगा। उस सीट के अंदर 3 हमारी सीट थी उस टेबल में, तो हमने वो टेबल कहाँ पे बनाई थी, सीट वन के अंदर बना के रखी हुई है। और सीट वन को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर लेते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो पूरी लिस्ट को यहाँ पे जनरेट कर लेगा। अब हमको लिस्ट मिलेगी कहाँ पे जनरेट की हुई, वो हमको मिलेगी यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर, यहाँ पे मिल फ्रेंड्स। सबसे पहले हम उसमें से ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे कहाँ से चाहिए नाम, टू हम इस जगह पे जहाँ पे कर्सर रख दिए, यहाँ पे हमको नाम चाहिए जिसके पास ये लेटर भेजना है। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऊपर और यहाँ से नेम पे क्लिक कर देंगे, हमारा नेम आ जाएगा।
दूसरे नंबर पे हमको क्या चाहिए उस फील्ड में से, उसमें से हमको चाहिए एड्रेस या सिटी, और तीसरे नंबर पे हमको उसके जेंडर या ईमेल या मोबाइल नंबर, जो भी हमने उस सीट के अंदर जो फील्ड बनाई हुई है, हमने यहाँ पे जो जो फील्ड बनाई हुई है इसमें से हम वो सारे फील्ड्स वहाँ पे चुन सकते हैं। डियर, यहाँ भी हमको नाम चाहिए तो हम यहाँ भी नेम ले लेंगे, या और कहीं किसी जगह हमको इनका नेम या फिर फ़ोन नंबर वगैरह चाहिए तो हम वो भी डाल सकते हैं। बस फ्रेंड्स, हमारा काम हो गया। अब हमने ये लिस्ट जनरेट करनी है। तो हम जनरेट कैसे करेंगे दोस्तों? अब हमने अगर इसको सिर्फ देखना है तो हम इसके प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर जाएंगे, या फिर हमने सभी की लिस्ट एकदम से तैयार करनी है तो हम इसको फिनिश मर्ज पे चले जाएंगे। फिनिश मर्ज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर ऑल, और हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास जितनी भी उसके अंदर रिपोर्ट्स हैं उस फाइल के अंदर, सारे रिपोर्ट्स के यहाँ पे अलग अलग लेटर्स तैयार हो जाएंगे। तो ये मैं बाद में करता हूँ, पहले हम एक एक लेटर देखते हैं। उसके लिए हमको प्रीव्यू रिजल्ट पे जाएंगे, और जैसे हम प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ देखो फ्रेंड्स नाम आ गया, उसके फ़ोन नंबर आ गए, और यहाँ भी नाम आ गया। अगर हम कहीं और फील्ड इंसर्ट करके देखेंगे तो हम वहाँ भी आ जाएगी वो फील्ड। एक फील्ड हमारे पास रेडी हो गई, हमने इसका प्रिंट ले लिया। नेक्स्ट देखना है तो आप यहाँ पे देख रहे हो नंबर, प्रीवियस और नेक्स्ट का फंक्शन भी है यहाँ पे। हम इस पर नेक्स्ट करते जाएंगे और आप देखोगे ये फील्ड्स सारी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएंगी सीरियल वाइज। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है 12 नंबर में हमारे ये नाम है अर्चना मोतला कला। हम देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर में हमारा अर्चना मोतला कला, ठीक है फ्रेंड्स? जैसा वहाँ पे हमारे पास लिस्ट में था वो सारी लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो रही है। अगर हमको ये सारी लिस्ट एक साथ में प्रिंट निकालने, हमने एक एक करके प्रिंट नहीं निकालने, तो हम फिनिश मर्ज पे जाएंगे, जो मैं अब बताऊंगा आपको। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके। हम जैसे ही ओके कर लेंगे ये हमारे पास कंप्लीट सभी का लेटर्स यहाँ पे तैयार कर देगा फ्रेंड्स, देख रहे हैं? तो दोस्तों कैसा लगा फंक्शन? काफ़ी आसान था, काफ़ी मज़ेदार था, और बहुत ही हमारा ये समझ लो कि घंटों का काम मिनटों में निपट सकता है इस फंक्शन से, इतना बड़ा फंक्शन भी था। दोस्तों हमारे वीडियो देखते रहिए और उनको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।